पूज्य मुरारी बापू जी, इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक पूज्य सतवा बाबा महामंडेश्वर संतोष दास जी महाराज, पूज्य संतचंद और ललितपुर के बुंदेलखंड से आए हुए सभी श्रद्धालुजन, पिछले 9 दिनों से आप सबने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन कथा श्रवण का आनंद पूज्य बापू के श्रीमुख से किया है। बुंदेलखंड तो भक्ति और शक्ति का एक महासंगम है और यह भी संजोगी होगा, इसी बुंदेलखंड के चित्रकूट में भगवान राम ने अपने वनवास काल के सर्वाधिक समय इसी बुंदेलखंड की धरती पर व्यतीत भी किया था। ये मेरा सौभाग्य है कि इस पावन कथा में मुझे भी पूर्णाहुति के अवसर पर शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए पूज्य बापू का और सतवा बाबा जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा ये वास्तव में भारत की कथा है, भारत के प्रत्येक परिवार की कथा है और भारत के प्रत्येक मानस के हृदय में रसी बसी मानवीय कथा है जो हमें जीने की एक नई प्रेरणा देता है। संकट के समय चुनौतियों से जूझने के लिए एक नया मार्ग दिखाती है और बड़ी से बड़ी चुनौती में हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए, हम सब के लिए एक राह दिखाने का काम कोई करती है तो भगवान श्री राम की पावन कथा करती है। और इस पावन कथा में पिछले 9 दिनों से बापू के श्रीमुख से आप सबको सुनने का आनंद प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत भी करता हूं। वास्तव में देश के अंदर विपरीत परिस्थितियों में ही श्री राम कथा और व्यासपीठ ने इस देश को एक नई दिशा देने का काम भी किया है। संत तुलसीदास जी का जन्म भी यही तो हुआ था, बुंदेलखंड की भूमि है और उस कालखंड में भी तुलसीदास जी ने, कहते हैं ना, एक बात सामने आती है कि एक बार उन्हें बादशाह के दरबार में बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि भाई मैं वहां क्यों जाऊंगा। कहा रे राजा के पास चलिए आप। उन्होंने कहा कि देखो हमारे तो एक ही राजा है और राम है, राम के अलावा हम किसी को राजा नहीं मानते हैं। ये भगवान राम की ही कृपा है। इस बुंदेलखंड की धरती पर जन्मे हुए संत के श्रीमुख से जो वाणी निकली और राम कथा के माध्यम से, वाल्मीकि के रामायण के माध्यम से और रामचरितमानस के माध्यम से जन जन तक व्यासपीठ के माध्यम से पूज्य बापू के द्वारा
पहुंचाई गई है, पहुंचाई जा रही है। और हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि जब अयोध्या में राम जन्मभूमि भव्य मंदिर निर्माण का कार्य अपनी चरमता की ओर बढ़ रहा है, और उस समय तो ललितपुर की धरती पर, ललितपुर के बारे में कहते हैं कि ललितपुर नहीं छोड़ियो, और आज बापू की कथा ललितपुर में ही विश्राम ले रही है। मतलब साफ है, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण बहुत शीघ्र होने वाला है। लेकिन उसके अनुरूप हमें बनना होगा। राम राज्य का मतलब, भगवान राम के भव्य मंदिर का मतलब, भगवान राम के अनुरूप राष्ट्र का मंदिर, जहां किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, जहां किसी के सामने अभाव ना हो, जहां किसी के सामने किसी भी प्रकार की कोई भी बुराई के लिए कोई स्थान ना हो, ऐसी आदर्श व्यवस्था शासन केवल सहयोग कर सकता है, लेकिन समाज जब उसकी अगुवाई करेगा तो ऐसी आदर्श व्यवस्था भी भारत के अंदर वर्तमान में बन रही है। भाइयों बहनों, गरीबों के लिए मकान बन जाना, गरीबों के लिए स्वास्थ्य की सुविधाओं का हो जाना, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में हर गरीब के लिए राशन की व्यवस्था भी तो सरकार के द्वारा की गई है। यही तो राम राज्य है, कोई भेदभाव तो नहीं हुआ ना। और बुंदेलखंड की तो जो सबसे बड़ी समस्या थी, मैं कल से आया हूं बुंदेलखंड में, और मैं एक कार्य को देख रहा हूं जो बुंदेलखंड के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक देखा था कि जो बुंदेलखंड की जनता जिसके लिए हमेशा तरसती थी, एक सपना देखती थी कि क्या कभी हमारे घर में भी पानी आ पाएगा, आज तो हर घर नल जल के माध्यम, हर घर जल के माध्यम से वो साकार हो रही है। कितना युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ हो रहा है, मैं कल से देख रहा हूं कुछ परियोजनाएं इसी जून में पूरी हो जाएंगी, कुछ अगस्त में पूरी होंगी, कुछ अक्टूबर में पूरी होंगी, कुछ नवंबर में पूरी होंगी, कुछ दिसंबर में तक पूरी होंगी, और दिसंबर तक हम लोग लगभग संपूर्ण बुंदेलखंड के हर गांव और हर घर तक शुद्ध आरओ का पानी घर तक पहुंचवा देंगे। खेतों के लिए सिंचाई की योजना तो घर उसके खेत तक पहुंचा देंगे। डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण भी यही होगा, यानी एक तरफ आपके खेत में फसलें लहलाएंगी और दूसरी तरफ यहां का नौजवान भारत की सीमा पर तोप लेकर के जाएगा, वह तोप भी यहीं की बनी होगी, बुंदेलखंड की बनी होगी। और समय समय पर इस प्रकार की कथाएं एक नए ओस और तेज के साथ हमें कार्य करने की एक नई स्फूर्ति भी पैदा करेंगी। भाइयों बहनों, हमें इस अभियान को एक निरंतरता देना होगा, एक सामूहिकता के साथ हमें कार्य करना होगा, क्योंकि सामूहिकता में बड़ी ताकत होती है। भगवान राम ने भी तो यही किया था, भारत की सामूहिक ताकत को पहचाना था भगवान राम ने। लंका पर चढ़ाई करनी है तो अयोध्या और जनकपुर से सेना नहीं जाएगी, बल्कि बंदर और भालुओं की सेना को खड़ा करके उन्होंने उस समय के सबसे बड़े ताकतवर योद्धा का सामना किया था और विजयश्री का वर्णन भी किया था। यही समाज की ताकत है। अगर भगवान राम भी भेदभाव करते, छुआछूत करते, तो क्या वे सबरी के जूठे बेर खाते? क्या हनुमान जी उनके सेवक बन पाते?
क्या राम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो पाता? राम राज्य की स्थापना का मार्ग तब प्रशस्त होगा जब एक स्वर से 135 करोड़ का भारत बोलेगा, और एक स्वर से जब बोलेगा, एक स्वर से चलेगा, तो राम राज्य की परिकल्पना का मार्ग प्रशस्त होगा। और राम राज्य के इस मार्ग का प्रशस्त करने का कार्य वर्तमान में भारत के अंदर हो रहा है। बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को मिल रहा है, हरेक को सुरक्षा मिल रही है, हरेक को हर प्रकार की सुविधा बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाने का कार्य भी हो रहा है। और बिना भेदभाव के इतनी बड़ी कथा में आपको आने का अवसर भी प्राप्त हुआ और साथ साथ प्रसाद ग्रहण करने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। एक साथ सब कुछ है और इसलिए आप सब सौभाग्यशाली हैं। मुझे बताया गया कि लगभग 4 दशक से बापू की कथा ललितपुर में हो, ये ललितपुर वासियों की तमन्ना थी, लेकिन लगता है कि ये सौभाग्य मुझे मिलना था कि जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री होऊंगा तब उसके बाद ही बापू की कथा यहां होगी। और इसीलिए आपने यहां पर कथा के पूर्णाहुति पर राम कथा ज्ञान यज्ञ है, इस ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति पर मुझे आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं बापू का अभिनंदन करता हूं बुंदेलखंड वासियों की ओर से, क्योंकि इस कथा के माध्यम से बुंदेलखंड के प्रत्येक गांव और प्रत्येक जनपद प्रभु राम की वाणी का संदेश पहुंचा है, व्यासपीठ का संदेश पहुंचा है। लोग आए हैं बुंदेलखंड के अलग अलग जनपदों से, लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, वे सभी आए हैं। और वैसे बापू की कथा होती है तो पूरा देश उमड़ता है, उसमें पूरा देश आता है। तो यहां पर तो बुंदेलखंड की हम बात कर रहे हैं, तो बुंदेलखंड वासियों के लिए कथा सुख और समृद्धि का कारक बने, बुंदेलखंड विकास की उन बुलंदियों की ओर आगे बढ़े जो प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना है, और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के रूप हमें इसे आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना है। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से बापू का अभिनंदन करता हूं। आप सबको इस पूरी कथा का आनंद प्राप्त होने के साथ साथ फल भी प्राप्त हो, इस कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। जय जय श्री राम।